जैन फ्रेंड्स, आज की बहुत बड़ी अपडेट है कंपार्टमेंट फॉर्म 2023 से रिलेटेड। जैसा कि दोस्तों आज आप सबका कंपार्टमेंट फॉर्म का लिंक खुल जाने वाला है। जैसे कि दोस्तों अभी आप सबको बता दें, आप सबका बहुत कमेंट आ रहा था सर अभी तक लिंक नहीं खुला। जैसा कि दोस्तों पिछले दिन बीते दिनों आप सबका दोस्तों विज्ञप्ति जारी कर दिया गया था बोर्ड की तरफ से कि कंपार्टमेंट का फॉर्म 17 तारीख से भरना शुरू हो जाएगा और पेपर में भी ये दोस्तों ऐड निकला हुआ था, लेकिन दोस्तों आज सबका अभी नहीं खुला हुआ है कंपार्टमेंट फॉर्म का लिंक। तो दोस्तों आप सबको हम बताएंगे लाइव प्रूफ के साथ, दिखाएंगे भी दोस्तों कि कंपार्टमेंट फॉर्म का लिंक कब खुलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों एक कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है जो कि दोस्तों आप सबके मन में लगातार उठ रहा है, जैसे कि दोस्तों कब फॉर्म आएगा और कब तक भरा जाएगा, कितना पैसा लगेगा, कितने सब्जेक्ट में आप डाल सकते हो और कब एग्ज़ाम होगा। सारे दोस्तों डाउट जो आप सबके मन में बन रहे हैं उसको दोस्तों हम क्लियर करेंगे आज ही की इस वीडियो में। और साथ ही साथ दोस्तों हम आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि फॉर्म का लिंक कब खुलेगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आप सबको बता देते हैं जो 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसके बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे लिंक कब खुलेगा। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सर फॉर्म कब तक भरा जाएगा, यानी किस तारीख से लेकर किस तारीख तक भरा जाएगा। तो दोस्तों आप सबको बता दूं, आप सबका फॉर्म जैसा कि अभी लिंक ओपन नहीं हुआ है, तो दोस्तों आज से ही दोस्तों आप सबका फॉर्म भरना शुरू माना जाएगा और आप सबका दोस्तों 7 जून तक, ध्यान दीजिएगा 7 जून तक दोस्तों फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप सबका जो डॉक्यूमेंट भेजने का है, यानी चालान फॉर्म का जो आप सब ऑनलाइन फॉर्म भराएंगे उसका जो प्रिंट आउट निकलेगा उसका, जो आप बाय पोस्ट अपने क्षेत्रीय कार्यालय भेजेंगे उसका जो डेट है वो दोस्तों आप सबको 10 तारीख तक है, यानी 7 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो और डॉक्यूमेंट आप सब 10 तारीख तक भेज सकते हो। यानी दोस्तों फॉर्म भरने के 3 दिन बाद तक आप सब फॉर्म को भेज सकते हो अपने क्षेत्रीय कार्यालय बाय पोस्ट स्पीड पोस्ट के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों ये आप सबके लिए बड़ी खबर थी। अब दोस्तों हम बात करेंगे आप सबका कितने विषय में आप डाल सकते हो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको जैसे कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, बता दिया गया है स्पष्ट विज्ञप्ति में कि आप सब 2 विषय का, जैसे कि आप सब फेल हो तो आप 1 सब्जेक्ट में डाल सकते हो, या आप 1 ही सब्जेक्ट के, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो है, उसमें दोस्तों थ्योरी होता है और प्रैक्टिकल होता है क्लास 12th वालों का, और जो क्लास 10th में है वो सभी सब्जेक्टों में प्रैक्टिकल होता है। तो आप सबको बता दूं, जैसे कि आप किसी एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल में और उसके थ्योरी दोनों में फेल हैं तो आप दोनों में आप सब फॉर्म डालकर आराम से दोनों में अपीयर हो सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि मान लीजिए आप 1 में पास हो, यानी प्रैक्टिकल में पास हो, और आप किस में, अपने थ्योरी में फेल हो, तो आप सब सिर्फ थ्योरी में आप जाकर अपना एग्जाम दे दीजिए, पास तब भी हो जाओगे। यदि आप चाहते हो कि प्रैक्टिकल में भी दूँ और अपना थ्योरी में भी दूं, जैसे थ्योरी आप पास भी हो फिर भी थ्योरी देना चाहते हो और प्रैक्टिकल भी, तो आप सब ऐसा भी कर सकते हो, आराम से हो जाने वाला है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर थी आप सबके लिए। और बता दूं कितने विषय में डाल सकते हो, तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 1 विषय में डाल सकते हो, वो भी दोस्तों ऐसा सब्जेक्ट जिसमें दोस्तों आप सबका 1 ही सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए दोस्तों आप प्रैक्टिकल है, ठीक है, वही दोस्तों बता रहा हूँ प्रयोगात्मक और दोस्तों थ्योरी है, तो दोनों का दोस्तों एक साथ डाल सकते हो, अदरवाइज दोस्तों अलग अलग नहीं डाल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए केमिस्ट्री का आप प्रैक्टिकल डाल दीजिए और फिजिक्स का थ्योरी का डाल दीजिए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप 1 ही सब्जेक्ट के 2 डाल सकते हो, जैसे कि उसका प्रैक्टिकल भी डाल दीजिए थ्योरी भी डाल दीजिए, 1 ही का पड़ेगा। अदरवाइज दोस्तों थ्योरी में डालेंगे तो 1 ही पड़ेगा, चाहे जिस सब्जेक्ट का डालिए, चाहे मैथ का डालिए, चाहे अपने दोस्तों बायोलॉजी का डालिए, चाहे हिंदी का, सॉरी हिंदी का तो नहीं पड़ेगा, कंपार्टमेंट हिंदी का नहीं होता है प्यारे बच्चों, गौर से दोस्तों सुन लीजिए, आप सब हिंदी में नहीं डालेंगे उसका वैलिड नहीं होता दोस्तों, ये कंपलसरी है, इसमें पास होना चाहिए। इसका स्कूटनी का फॉर्म डाल सकते हो हिंदी में, ठीक है। दोस्तों ये आप सबके लिए अपडेट थी कि आप 1 ही सब्जेक्ट में डाल सकते हो, उसके प्रयोग प्रैक्टिकल और दोस्तों अपना थियरी दोनों में डाल सकते हो, ठीक है, 1 ही सब्जेक्ट के। अब देखिएगा दोस्तों कितना पैसा लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको बता दूं पैसे का भी खुलासा हो गया है कंपार्टमेंट का, जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए बता दूं कि आप सबके लिए 256 रुपये 50 पैसा है, यानी 256 रुपये 50 पैसा आप सबका जो फॉर्म है वो दोस्तों लगभग मान लीजिए 57 रुपये का आप सबका चालान बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सब 256 रुपये 50 पैसा का चालान आप सब बैंक में जाकर बनवाएंगे, और जो क्लास 12th के बच्चे हैं वो 306 रुपये का बनवाएंगे, ठीक है, कंपार्टमेंट का चालान। ये दोस्तों आप सबके लिए बड़ी खबर है, और सेम दोस्तों आप सबको स्कूटनी के जैसे ही चालान बनवाना होगा, ये दोस्तों आप सबके लिए बड़ी खबर है। अब दोस्तों हम बताएंगे एग्जाम कब होगा। देखिए प्यारे बच्चों, आप सबको बता दूं, जैसे कि पिछले साल भी आप सबका दोस्तों एग्जाम जिस तरह से कराया गया था
उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हम आप सबको इस बार भी हम बता दें कि आप सबका एग्ज़ाम दोस्तों 10 जुलाई तक होगा। फॉर्म जब ख़त्म होगा दोस्तों, यानी फॉर्म डेट ख़त्म होने के दोस्तों जस्ट एक महीने बाद ही दोस्तों आप सबका पेपर कंडक्ट कराता जा रहा है दोस्तों कई सालों से। तो दोस्तों इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। जिस तरह दोस्तों मैंने आप सबको बताया था 15 से 16 दोस्तों आप सबका कंपार्टमेंट का फॉर्म का अपडेट आ जाएगा, कंपार्टमेंट फॉर्म आ जाएगा, तो वैसा ही दोस्तों हुआ। 16 तारीख को आप सबका शाम को दोस्तों सॉरी 16 तारीख को दोस्तों मॉर्निंग में ही दोस्तों आप सबको पेपर में मिल गया होगा और विज्ञप्ति भी जारी कर दिया गया था कि कंपार्टमेंट का फॉर्म जो है वो आप सब 17 मई से भरना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये बड़ी खबर थी, मैंने दोस्तों आप सबको बिल्कुल अथॉन्टिक हमेशा अपडेट देने की कोशिश किया है और करता भी रहूँगा। प्यारे बच्चों आदि चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा बिल्कुल अपडेट पाने के लिए। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे लिंक कहाँ पर खुलेगा और कैसे दोस्तों आप सब फॉर्म भरेंगे। चलिए दोस्तों अब आपको लाइव हम दिखाते हैं कैसे आप सब अपना फॉर्म भरेंगे। प्यारे बच्चों आइए अब शुरू करते हैं। अब आप सब क्या करेगा, इस तरह से UPMSP का आप सब ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको खोल लीजिएगा दोस्तों। जैसा कि आप सब यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों यूपी बोर्ड का दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, इसको दोस्तों खोल लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो आप सबको दोस्तों यहाँ पर स्क्रूटनी का फॉर्म का देखेगा ऑप्शन, जो दोस्तों समीक्षा परीक्षा स्क्रूटनी का दोस्तों था, ये दोस्तों आप सबके लिए आया हुआ है। अभी दोस्तों यहीं पर आप सबका कंपार्टमेंट का भी दोस्तों लिंक जल्द ही दोस्तों जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी बात किया है बोर्ड में एक बाबू से, ठीक है दोस्तों, जो कि दोस्तों सचिव के करीब रहते हैं, उनसे दोस्तों मैंने बात किया, उन्होंने कहा है कि आज शाम तक दोस्तों आप सबका लिंक जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि दोस्तों वहां से अपडेट हमको मिली है, ठीक है, सचिव से दोस्तों बात नहीं हो पाती है क्योंकि दोस्तों बहुत बिजी रहते हैं वो, इसलिए दोस्तों उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन बाबू से जैसा कि मैंने बात किया उन्होंने बताया दोस्तों आज सबका आज शाम तक बिल्कुल लिंक खोल दिया जाएगा। दोस्तों आप सब कल से आराम से वहां से दोस्तों चालान फॉर्म डाउनलोड करवा के भरवा सकते हो और दोस्तों चालान बनवा भी सकते हो अपने बैंक में जाकर, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खबर थी और चालान फॉर्म जैसे ही फॉर्म आएगा दोस्तों चालान फॉर्म डाउनलोड करना, किस तरह से फॉर्म भरना, सारा दोस्तों अपडेट आप सबको हम बताएंगे कैसे क्या करना है। दोस्तों आप सब वीडियो को जरूर दोस्तों देख के भरिएगा जिससे दोस्तों आप सबकी गलती ना हो, बिल्कुल आप सब बहुत गलती करते हो जिससे दोस्तों आप सबका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। आप सब दोस्तों अपनी कॉपियों में जब ठीक से आपने लिखा नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर करके लिखा, आप सबकी जो कॉपियों को दोस्तों काट दिया गया, आपको फेल कर दिया गया, तो दोस्तों फॉर्म आप सब गलत भरेंगे तो कैसे आप सबको दोस्तों पास किया जाएगा, फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। दोस्तों आप सबके लिए बड़ी खबर है कि आप सब बिल्कुल फॉर्म को अपडेट बिल्कुल सही आप लेकर भरिएगा, जो भी दोस्तों उसमें इंफॉर्मेशन भरा जाएगा बिल्कुल अथॉन्टिक होना चाहिए, जो सही होना चाहिए, जिस तरह से दोस्तों उसमें पूछा जाए उसी तरह से दोस्तों आप सबको भरना होगा एक बाई एक। तो दोस्तों आप सबको भी ये गलती ना हो इसके लिए दोस्तों बिल्कुल आप सब वीडियो जरूर देख के जाएगा इसका, दोस्तों मॉर्निंग में हम जल्द से जल्द दोस्तों आप सबको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, आप जरूर उसको भर के ही दोस्तों आप सब अपना क्या करिएगा फॉर्म सबमिट करिएगा जिससे दोस्तों गलतियाँ ना हो, फॉर्म आप सबका एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो दोस्तों आप चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे दोस्तों हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप आराम से उसको दोस्तों देखकर दोस्तों अप टू डेट दोस्तों बिल्कुल अपना इन्फॉर्मेशन जानते रहे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यह इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और साथ ही साथ दोस्तों अपने सभी मित्रों में जरूर शेयर करिएगा जिससे दोस्तों हर एक बच्चे का भला हो सके और साथ ही साथ दोस्तों आपका ही वो भाई और बंधु और दोस्तों मित्र यार हैं जिससे दोस्तों उनका भी भला हो जाएगा दोस्तों, तो आपके करीबियों का ही दोस्तों भला होगा, ठीक है। आप हमारे अपने हैं दोस्तों बिल्कुल आप सबके लिए, जैसे दोस्तों हम मेहनत कर रहे हैं दोस्तों बिल्कुल अथॉन्टिक जो भी अपडेट आ रहा है दे रहे हैं इसी तरह दोस्तों देते रहेंगे, बस दोस्तों शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों आप सब भी चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे दोस्तों हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आप तक को मिल आप सभी बच्चों को मिलता रहे, ठीक है बच्चों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।